What's up guys, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज हम खेलने जा रहे हैं FNAF फाइव नाइट एट फ्रेडी सिक्योरिटी ब्रीच। चलिए बगैर वक्त जाकर शुरू करते हैं। और गाइस, तो ये एक बहुत हॉरर गेम है और इसमें आप लोग, जो लोगों को बहुत डर लगता है वो ये वीडियो भी उतना देखें, लेकिन जिन लोगों को वीडियो डर नहीं लगता वो ये बिल्कुल देख सकते हैं। और ये देखें, ये हैं हमारे ये सारे रोबोट्स हैं और ये सारे एक म्यूजिक कंपनी में काम करते हैं। फैज बियर, ये पहली इसका नाम है रॉक्सी, ये है फ्रेडी, ये है क्रोकी और ये है चिक्की। चले ये चारों की टीम है, ये सारे गाना गाते हैं ये सारे लोग। अभी तो बहुत गेम अच्छी लग रही होगी आपको, लेकिन बहुत हॉरर गेम है। आवाज बहुत तेज है, ऐसा कर देता हूँ आपके लिए। ऑलराइट गाइस, तो मैंने आप सब लोगों के लिए आवाज ऐसा कर दिया, वरना आवाज के लिए आपको मेरी आवाज नहीं आएगी। ये हमारा गैट, और दूसरी है रॉक्सी वुल्फ, तीसरी है चिकी और ये है फ्रेडी फैज बियर। लेकिन तभी हमारा फ्रेडी नहीं, ये फ्रेडी है और इसके अंदर अलर्ट आ गया एक बंदा। हाँ वही जो हमारा करेक्टर है इस गेम में। चलें अब फ्रेडी वापस जाग गया है, सेफ मोड हो गया फ्रेडी का। ये एक कॉन्सर्ट में बेहोश हो गया था, अब इसको इसके कमरे में भेज दिया गया है ताकि ठीक हो जाए। चले अब ये है फ्रेडी, ठीक हो गया ये। ओह, हम ग्रेगरी, ये हमारी करेक्टर है इस गेम में ग्रेगरी। हाँ हाँ, ये हम जो हमारा करेक्टर है फ्रेडी के पेट में है, क्योंकि फ्रेडी एक रोबोट है और हम उसके पेट में जा सकते हैं और हम निकल आए फ्रेडी के पेट से। हम कोई गलत बंदे नहीं है। हम है ग्रेगरी। I'm Gregory. हाँ हाँ। I will notify the main office. Connection error. ए तो मैं से एक डील कर, हम तुझे यहाँ से एस्केप कराते हैं, तू हमें यहाँ से एस्केप करा। She's not going to let you call for help until she finds me. Who is looking for you? Your mother? नहीं नहीं। वो सिक्योरिटी गार्ड हमें ढूंढ रहा है। हाँ ये लो फ्रेडी की एक बहुत अच्छी घड़ी हमें मिल गई, फैज वॉच। चलें अब ये हम अपने हाथ में लगा लेते हैं घड़ी। अब फ्रेडी जो भी हमें भेजेगा हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, चले अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। अब हम यहाँ आ गए हैं, यहाँ से ऊपर से हम चलते हैं वेंट के अंदर क्राउच करके। या और भी लोग हैं फ्रेडी के अलावा, ये है रॉक्सी, ये अपनी तारीफ करती रहती है। चले अब अगला बंदा है, चले हम वैसे तेज कभी कभी भाग सकते हैं, ज्यादा तेज नहीं। अब ये रहा अगला बंदे की जगह, ये सर्किट क्या हो रहा है। चले जो भी हो रहा है हमें कोई मसला नहीं है, हम अपनी गेम खेलते हैं। एक तो ये बॉल गंदा भूल भुलैया है, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है, मैं बस कहीं भी जाता जा रहा हूँ। यहाँ से इधर चलते हैं, ओ उधर तो चिक्की है।
Freddy and the gang are pretty tired, but they'll be back again next week after a few days of schedule. ओ ये तो इंटरकॉम है, ऊपर से एक बंदा स्पीकर में बता रहा है कि थैंक यू आप सब का आने का, फ्रेडी अगले हफ्ते आएगा। हमें ये नहीं सुनना, हम आगे चलते हैं। ये एक डब्बा हमें मिल गया, चले इस डब्बे को खोलते हैं, इसके अंदर सरप्राइज हो सकता है। फोटो पास, यस, ये हमारे बहुत काम आएगा एस्केप करने में। और ये गेम बहुत बढ़िया है, आपको ये समझ आ रहा है कि बहुत गेम छोटी है लेकिन कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है, सोचने से ज़्यादा बढ़िया है। चल जल्दी से फ्रेडी को एस्केप कराते हैं। अभी नहीं, अभी हम एस्केप नहीं हुए, अभी तो हम अभी भी यहाँ पर हैं फैस्ट बियर में। हाँ हाँ तू सही कह रहा है, किसी सिक्योरिटी गार्ड ने हमें देख लिया होगा, हमें जल्दी से भागना पड़ेगा। हाँ हाँ जल्दी, हम वापस फ्रेडी के अंदर आ गए हैं। अब हम फ्रेडी को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा समझे अब हम फ्रेडी फैस भी आ रहे हैं। अब हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें। नीचे चलते हैं जल्दी से, क्योंकि नीचे मेन एंट्रेंस है, वहाँ से हम निकल सकते हैं, अभी से निकल सकते हैं वैसे तो हम, लेकिन नीचे वैनिसा है। ये वैनिसा, ये हमें ढूंढने के लिए बहुत कोशिश कर रही है, ये बहुत ख़तरनाक है। इसका एक सीक्रेट है जो आपको मैं भी नहीं बताऊंगा, वो आपको अगले एपिसोड में पता लगेगा, क्योंकि इस एपिसोड में जो पता लगेगा आपको वो मैं आपको बता देता हूँ। बस आपको ये बता दूँ कि वैनिसा बहुत ख़तरनाक है। चल जल्दी से निकलते हैं, एंटर फर्स्ट एड, जल्दी से फर्स्ट एड किट में चलते हैं। अब ये वैनिसा से बात करेगा। हाँ ये बात कर रहे हैं वैनिसा के साथ कि मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं बाबा इधर उधर जा रहा हूँ, मेरा मुझे लगता है सिस्टम ख़राब हो गया है। ये कह रही है तुम आराम से आराम करो ताकि तुम ठीक हो जाओ, वरना तुम ऐसे ठीक नहीं होंगे। हाँ वो हमें देख रहा अभी तक फ्रेडी, ये कह रहे जल्दी से अपने रूम में जाओ वरना वो बच्चा तुम्हें तंग करेगा और तुम्हें मार भी सकता है। वो हमारी ही बात कर रही है वैनिसा ग्रेगरी। चले वैनिसा तो हमें पकड़ने के लिए आ रही है, लेकिन कुछ नहीं होता जब तक फ्रेडी हमारे साथ है तो क्या मसला है। हाँ पिज़्ज़ा प्लेक्स, ये बहुत बड़ी एक फैक्ट्री है और पिज़्ज़ा भी यहाँ बनता है, यहाँ पर रोबोट्स भी बनते हैं, यहाँ पर बहुत काम होता है। यह फैक्ट्री इतनी बड़ी है कि आपको अभी नहीं पता लगेगा, आपको अगले अगले एपिसोड्स में पता लगेगा। यस हम इसके पूरी गेम कंप्लीट करेंगे। चलो जल्दी से ऊपर चलते हैं इसके वापस रूम में, क्योंकि इसको चार्जिंग की भी ज़रूरत है। आपको नीचे दिख रही होंगी इसकी चार्जिंग, बस इसकी दो चार्जिंग रहती है। ओ देखिए इसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई, अब इसको चार्ज होना पड़ेगा। चलिए फ्रेडी को तो चार्ज होने देते हैं, हम चलते हैं आगे। ओ आगे, ओ देखिए चिक्की आ गई, ये देखिए चिक्की, अरे बहुत डर लग रहा है गाइस। आराम से चलते हैं, उसको आवाज़ आ गई होगी हमारी, आराम से चलते हैं। ओ भागो भागो भागो, हमारे पीछे आ रही है चिक्की। रात को सारे रोबोट्स खतरनाक हो जाते हैं और वो हमें हमला करके हमें मार सकते हैं। ओ मोंटी आ गया, भागो मोंटी हमारे पीछे पड़ गए, ये देखे हमें मार सकते हैं, जल्दी भागो। रोक्सी भी आ गई, नहीं भागो भागो वो जल्दी, हमें आगे निकलना पड़ेगा। ओ चिक्की भी आ गई, ओ उसका नाम चिक्की नहीं है, उसका नाम चीका है, जल्दी भागो चीका से, वो बड़ी ख़तरनाक है, वो हमें पकड़ लेगी। भागो आराम से भागो, यहाँ कोई रूम हो जहाँ पर हम ताला लगा दें, जल्दी ताला लगा दो। हम सिक्योरिटी रूम में पहुँच गए हैं, लेकिन बाहर रोक्सी मोंटी और चीका तीनों हमारे इंतज़ार करें। ये देखें ये है मोंटी,
ये दरवाजा तोड़ सकते हैं मुझे लग रहा है। हाँ हाँ प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर लेते हैं फिर हम सिक्योरिटी कैमरा देख पाएंगे। गाइस जल्दी से हम इसको ऑन कर देते हैं और हमें कैमरा मिल गया पिज़्ज़ा प्लेक्स कैमरा। अब हम कैमरा से देख सकते हैं कौन कहाँ है। ओके गाइस तो वैसे ऐड तो हर गेम में है भाई, इस गेम में भी ऐड है। मैं ऐड से थक गया हूँ लेकिन कुछ नहीं होता, हम अपनी बात करते हैं आगे। हमने कैमरा सारे देख लिए गाइस और बिल्कुल सेफ जगह है। अब भागो आराम से भागो, चीका है मुझे पता आगे चीका रहेगी, वो हमें पकड़ने के लिए बेताब है। ओए चीका ये भागो भागो भागो, हमारे पीछे पड़ गई चीका। हाँ अब हम फंस गए हैं इसमें, अब ये ख़त्म हो गई है जगह, अब दरवाजे भी बंद हो गए हैं बाहर निकलने के सारे। अब मैं फ्रेडी रॉक्सी मोंटी और चीका ये पांच लोग इस फैक्ट्री में अकेले हैं। एंट्री पास मिल गया हमें, यस। अब चीका भी आ गई है, वो हमारे खून की प्यासी है, उसको हमें आराम से रहना पड़ेगा। वो री चीका आराम से चलते हैं बैठ के ताकि वो हमें देख ना पाए। ओ वो आगे आ रही है, तो जल्दी जाना पड़ेगा। ये लो भागो जल्दी जल्दी जल्दी, हम पहुंच गए ऊपर जल्दी इससे पहले कि आ जाए चीका। वो री नीचे स्टाफ ओनली कह रही है वो। ओ ये वैनिसा के रोबोट हैं पिजन, ये बहुत ख़तरनाक है, ये हमें मार सकते हैं, हमें इनसे भी बचना है। यहाँ पर सफाई करते हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हैं। हम नीचे चलते हैं आराम से, ये देखिए एक सरप्राइज़ है यहाँ पर, आराम से सरप्राइज लेते हैं। इसके अंदर क्या है, मिस्टर हिप्पो मैग्नेट, ये भी हमारे काम आएगा। हाँ फ्रिज मैग्नेट इसलिए इसका नाम है क्योंकि फ्रिज पे चिपकाते हैं लोग। चले आराम से चलते हैं, यहाँ इधर उधर हर जगह फ्रेडी चीका वगैरह बने हुए हैं। यहाँ से फ्रेडी इसलिए भागना चाहते हैं क्योंकि फ्रेडी को यहाँ पर काम करवाते हैं। ये देखिए वो रही चीका, जल्दी भागो, मुझे सारे समझ आ रही है गेम। चले आराम से पहले हमें इससे बच के, इस पिजन की लाइट से बच के, अगर हम इसकी लाइट में आ गए तो ये हमें मारेगी। आराम से आगे चलते हैं और जल्दी से नीचे चलते हैं अंडरग्राउंड, और यहाँ पर हमें लगाना है पास अपना, यही कहीं है ये मशीन। हाँ ये वाली मशीन, जल्दी अब टिकट एंट्री कर डालते हैं टिकट। हाँ वो मैग्नेट भी लगाते हैं यहाँ पर। चले ठीक है अब, हाँ डे केयर पास हमें मिल गए, अब हम डे केयर में जा सकते हैं, वहाँ पर भी मून और सन रहते हैं। जल्दी चलते हैं डे केयर में क्योंकि जब तक वो डे रहता है वो नॉर्मल बंदा रहता है, लेकिन जैसे ही वो मून बनता है वो फिर डरा। ओए ये देखें गाइस, इसने चीका वगैरह को सबको अलर्ट कर दिया कि यहाँ पर है ग्रेगरी। ओ ये नहीं चीका, चीका से भागना पड़ेगा, ये रहा डे केयर, जल्दी चलो आगे, चीका पीछे से आ रही होगी। आराम से चलते जल्दी जल्दी, चीका इससे पहले के आ जाए हमारे पीछे, भागो डे केयर पिकअप में, वो रहा वहाँ टिकट एंटर करनी है और हम अंदर पहुँच जाएंगे। जल्दी सेव योर स्पॉट, जल्दी यहाँ पर गेम सेव कर लेते हैं। चले अब अगर मरेंगे तो यहाँ पर स्पॉन हो जाएंगे। चले अब हम पहुँच गए हैं डे केयर में, यहाँ पर स्लाइड करना है हमने ताकि हम डे केयर के अंदर पहुँच जाएं। ये एक स्लाइड है बस, डे केयर के में पहुँचती है, और यहाँ पर एक बंदा भी है, वो देखें वो ऊपर बंदा, उसका नाम है सन। लेकिन जब ये मून बनता है
तब डरा देता। ये देखें, ये मैं कुछ नहीं कह रहा, ये बस हमारा दोस्त है। ओ हमें इसको तंग करना पड़ रहा है। जल्दी हम फ्लैश लाइट उठाते हैं और ये बटन दबा के जल्दी से रात कर देते हैं। हमने रात कर दी। ओ अब ये सन मून बन जाएगा। हमें ये करना पड़ रहा है क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। सॉरी सन मून, ये रो मून। You must be punished. ये तो बड़ी खतरनाक है। हमें सिक्योरिटी बैंड मिल गया। जल्दी चलो, जल्दी चलो। हाँ हाँ जनरेटर, वरना बैड चिल्ड्रन मस्ट बी फाउंड। ये तो बड़ा खतरनाक बंदा है। जल्दी से जनरेटर ऑन करना। ये तारे जहाँ जा रही है मैं वहाँ जा रहा हूँ ताकि मुझे पता लग जाए कि कहाँ कहाँ जनरेटर है। हाँ जी यहाँ पर एक वो मैं पकड़ लेगा। जल्दी भागो। मस्ट बी फाउंड, ये बड़ा डरावना है। एक और जनरेटर हो गया। अभी तीन जनरेटर ऑन रहते हैं। आगे एक और जनरेटर है। आराम से चलते हैं वहाँ पर भी। मस्ट बी पनिश्ड, ये बहुत डरा रहा है मुझे। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये तीसरा हो गया। बस अब ऊपर और ढूंढते हैं जल्दी से। ऊपर एक तार तो जा रही थी, यहाँ पर एक तार जा रही थी, मैंने अभी देखी थी। जल्दी से ऊपर चलते हैं। ये रहा जनरेटर, और बस आखिरी जनरेटर रहता है। उसके बाद ये सारी जगह ठीक हो जाएगी। ये रहा जनरेटर। चलें अब लाइट आ गई है वापस, अब हम ठीक हो गए। अब वो मून वापस ठीक हो गया है, वो सन बन गया। अब जल्दी से बटन पुश करता। और ये क्या, चीखो यार, चीखा भी है। जल्दी स्लेटी के अंदर चलो। चीखा हमारे हमें मार देती है अभी। ये चीखा, रॉक्सी भी है यहाँ, मोंटी भी है यहाँ पर, सारे हैं यहाँ पर। हमें ऊपर जाना पड़ेगा लॉबी में। एस्केप द डे केयर। चले फ्रेडी की चार्जिंग वापस आ गई है, इसलिए वो यहाँ पर आ गया है। और ये मून, यही जो सन अभी था और वो मून बन गया था। ये देखे कितनी डरावनी है यहाँ पर जगह। ये देखे सन और मून, इसलिए हम डे केयर में जा रहे थे। अब हम नहीं जा रहे डे केयर में, हमारा काम हो गया। और इसमें चलते हैं जल्दी से, थोड़ी सी चार्जिंग कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है, ये कौन है, वैनी? ये तो वैनी है रैबिट। हाँ नहीं नहीं हाँ ये तू तो कह रहे नहीं है, और हमने अभी तो देखा है। ओ ये पता नहीं क्या कह रहे हैं बार बार, कभी ग्रेगरी कुछ और कह रही है, कभी फ्रेडी कुछ और कह रहा है। ये वैनी में मसला मुझे लग रहा है। चल फ्रेडी, बाकी हम चल लेंगे, काम कर लेंगे। हाँ तो चले गाइस, हम बाकी गेम बाद में खेलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपको लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मैं प्लेस को हमारे वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।